हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 6 और मैं उठ गई। अब मैं फटाफट से फ्रेश होती हूँ और फिर मैं पूजा करके आपसे बात करती हूँ। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं पूजा कर चुकी हूँ, मैं फ्रेश हो गई और मैंने पूजा कर ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज नवरात्रि का 4th डे है जो कि कुष्मांडा देवी के नाम से पूजा जाता है। दुर्गा माँ का 4th अवतार होती हैं। एक्चुअली उनकी पूजा जो है येलो कलर पहनकर ही करनी चाहिए, पर यार मेरे पास येलो कलर कुछ भी नहीं था, कुछ भी मेरे पास ना येलो चुन्नी है और ना ही येलो कलर का कोई कुर्ता या टी शर्ट है, इसलिए मुझे जो समझ में आया या जो मुझे ठीक लगा मैंने वो पहन लिया। पर अगर आप में से किसी के पास भी येलो कलर की कोई टी शर्ट या फिर कोई सूट है तो आप लोग वो पहन कर ही उसकी पूजा करना। अब मैं अपने मॉर्निंग की टी जो है वो ले रही हूँ और इसके साथ थोड़े से स्नैक्स भी ले रही हूँ। जैसे आपने मेरे पहले वाली वीडियोस में देखा होगा, वही स्नैक्स में अभी चल रहे हैं मेरे और मैं उन्हीं में से थोड़े बहुत स्नैक्स ले लूँगी। इसके अलावा अभी और कुछ भी नहीं, बस मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी या क्या खाऊंगी वो सब मैं आपको दिखाती रहूंगी। यार ये मेरे दादाजी हैं और इनकी जो एज है वो 95 हो चुकी है और यार ये पता नहीं कैसे रात को वॉशरूम करने के लिए उठे थे और लाइट ऑन करना भूल गए और पता नहीं कैसे ये फिसल गए, इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई। कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मैं इसीलिए इनकी पट्टी कर रही हूँ और सुबह शाम इनकी पट्टियाँ मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लग चुकी है इनको, और इनको समझा भी रही हूँ, इनको दवाई भी दी है मैंने ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। आगे मैं बदलूंगी डेली आके, रोज मैं बदलूंगी पट्टी, आप मत खोलना। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा खोल मत देना दादा, जैसे सुबह खोल दी थी। अच्छा रोटी नहीं खाओ? नहीं रोटी तो खानी है। रोटी तो खानी है तो पट्टी मत खोलना। अच्छा पट्टी नहीं खोल। गाना सुना दो, एक गाना। कौन सा गाना सुनाओ? आप सुना दो कोई भी। चोट लगी थी सान मेरे, पट्टी मई थी सवेरे। ठीक हो? इसका फाटो फिल्मी भी गाने के होंगे। सही बात है। कल ये पता नहीं अंधेरे में क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया हमें, और इनका पैर स्लिप हो गया, हाथ पर चोट लग गई, लेकिन उसके बाद भी इनके फेस से स्माइल नहीं जाती कभी भी। हम लोग इनसे कभी भी पूछते ना आप ठीक हो, और इनका रिप्लाई ऐसे हंस के आता कि हमें हंसा देते हैं यार। मतलब इस एज में भी आप यार इतने खुश रहते हो, बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इनका 100th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं यार। बस ये इसी तरह ठीक रहे हैं, बस वही है बुजुर्ग हैं तो थोड़ा नज़र में तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, शायद अंधेरे में उन्हें नज़र नहीं आया इसलिए वो गिर गए, उन्हें चोट लग गई, पर हम पूरा ध्यान रखेंगे उनका। और वो खुद आपने देखा होगा कितने हंसमुख हैं यार इस एज में भी। नॉर्मली बुजुर्ग जो है थोड़े इरिटेट हो जाते हैं इस एज में आकर, बट मेरे दादा बिल्कुल भी नहीं, वो हमें हंसाते हैं यार। वो इस एज में सिंगिंग करते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश। और यार ये मेरा मिनी बैंक है, मुझे ना अर्जेंटली 1000 रुपीज़ की ज़रूरत हो गई थी तो मैंने सोचा इसको खोल कर देख लिया जाए, और इसे खोल कर देखा तो यार इसमें 2500 निकल गए, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो इतने पैसे देखकर। मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ चाहिए थे पर इसमें तो 2500 रुपीज़ निकला है, अब तो मुझे मज़ा ही आ गया। एक चीज़ की ज़रूरत थी पर काफ़ी काम हो गए मेरे इनकी वजह से। आज के डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, और जीरा अच्छे से हो जाने के बाद टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे नमक, नमक डालने के बाद जब वो अच्छे से गल जाए तो उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, हरी मिर्च डालने के बाद हमने डाल दिया आलू, आलू को हमने में पानी डाला और पानी डालने के बाद थोड़ा सा पकाया, और उसके बाद हमारी आलू की सब्ज़ी। की सब्ज़ी आप लोगों ने देख ही ली होगी, आज मैंने बनाई है सिंपल तरी वाली आलू की सब्ज़ी,
जिसकी रेसिपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये भी उसी तरह बनती है जिस तरह मैंने बाकी सारी सब्जियां बनाई हैं अभी तक। इन तीन चीजों से ही ये सब्जी बनाई जाती है, हरी मिर्च, टमाटर और सेंधा नमक बस। और ये कुट्टू के आटे की रोटी भी आपने देखी होगी मेरे पहले व्लॉग में, और ये साथ में है दही। आज का व्लॉग मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि जैसे आपने देखा मेरे दादाजी की हाथ में चोट लग गई है, तो हम थोड़ा सा उनमें बिजी थे इस वजह से। बाकी आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। गाइज मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं थोड़ी परेशान हो चुकी हूँ, तो यहीं एंड करते हैं हम लोग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इसे।